इस प्रकार से अरदास लगाएं तो बाबा श्याम तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाएं, बाबा श्याम को अरदास कैसे लगाएं कि सीधी बात बाबा श्याम तक पहुंचे? तो श्याम भक्तों, वैसे तो मैंने कई सारी वीडियोस बना दी है इस चैनल पर, और बाबा श्याम को अर्जी अरदास किस प्रकार से लगाएंगे उसके बारे में भी बताया है, और बहुत सारे भक्तों ने बाबा श्याम को अपने तरीके से अर्जी अरदास लगाया भी है, और बहुत सारे भक्तों की अर्जी अरदास बाबा श्याम ने पूरी की भी है। तो श्याम भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम आपकी अर्जियों को पूरी करे, तो बाबा श्याम को जो अर्जी या अरदास लगाएंगे तो सरल सहज मन के साथ आपको ये काम करना होगा। श्याम भक्तों, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अभी आपने इस वीडियो को देखा और आपको ऐसा लगा कि बाबा श्याम के समक्ष हम अर्जी लगाएं, अरदास लगाएं। हो सकता है बाबा श्याम आपकी इस वीडियो को देखने के माध्यम से ही आपकी अर्जियों को पूरी कर दे। तो श्याम भक्तों, हमने लाइव डेमो के साथ आपको पिछली वीडियोस में दिखाया है कि किस प्रकार से बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाना चाहिए। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बाबा श्याम को अरदास रूपी नारियल किस प्रकार से आप भेंट करेंगे, बाबा श्याम को अरदास किस प्रकार से आपको लगाना चाहिए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को अरदास लगाने के लिए आपके पास सूखा नारियल होना चाहिए, रोली होना चाहिए, मौली होना चाहिए, और उसके साथ आपको 11 रुपए की दक्षिणा रखनी है। साथ ही आपको 1.25 मीटर का एक कपड़ा भी चाहिए। उसके अलावा श्याम भक्तों, आपको अर्जी अरदास लिखने के लिए एक लाल पेन चाहिए जो कि पहले प्रयोग नहीं हुआ हो, यानी कि नया पेन लेंगे एकदम, जो कि दुकान पर भी लिखकर घिस के नहीं देखना है कि ये पेन चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस पेन को लेकर अपने घर आ जाना है। साथ ही साथ आपके पास अर्जी लिखने के लिए, अरदास लिखने के लिए एक पेपर भी होना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद बाबा श्याम को हम अर्जी अरदास लगाएंगे। अर्जी लिखने के लिए सबसे पहले संकल्प लेना है बाबा श्याम को ध्यान करके, अपनी कुलदेवी को ध्यान करके, अपने माता पिता को ध्यान करके। तो श्याम भक्तों, संकल्प के दौरान आपको आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका गोत्र, और उसके साथ ही आप किस स्थान से हैं, कौन सी तारीख में, किस समय में आप ये संकल्प ले रहे हैं, और साथ ही आपकी अरदास का मुख्य कारण क्या है, वो मन में संकल्प लेते हुए ऐसे आपको हाथ में जल लेकर बाबा श्याम का ध्यान करके, अपनी कुलदेवी का ध्यान करके आपको इस तरह से हाथ में रखना है और इस तरह से बाबा श्याम को समर्पण करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने जटा वाला सूखा नारियल लिया है, यानी कि आपके पास जो सूखा नारियल है, उस नारियल के ऊपर आपको स्वस्तिक बनाना है श्याम भक्तों। तो स्वस्तिक आप किस प्रकार से बनाएंगे वो भली भांति आप जानते हैं, रोली का यूज करते हुए आपको स्वस्तिक बना देना है, और स्वस्तिक बनाने के बाद आपको कलावा रूपी जो धागा आपके पास है, मौली आपके पास है, उस मौली को उस नारियल के ऊपर लपेट देना है। श्याम भक्तों, अब ये नारियल पर कितनी बार लपेटेंगे, तो ये जो मौली वाला धागा है, यानी कि विषम संख्या में आपको लपेटनी है। फिर आप स्वस्तिक जब बना लेते हैं तो उसके बाद आपके पास जो पेन और कागज है, उस पेन और कागज को इस्तेमाल करते हुए उस पर बाबा श्याम को अरदास लिखनी है, अर्जी लिखनी है। तो अर्जी अरदास जो आप लिखेंगे, आपकी जो भी इच्छा हो वो उस कागज पर लिखना है, परंतु श्याम भक्तों, अर्जी अरदास ऐसी होनी चाहिए जो कि एक लाइन में आप सारी बात बोल सके। ऐसा नहीं है कि आप अर्जी अरदास लिख रहे हैं तो पूरा पेज ही आपने भर दिया, इस प्रकार से अर्जी अरदास आपको नहीं लिखनी है। यानी कि अगर आप अर्जी अरदास लिख रहे हैं तो आपको एक लाइन, ऐसा लाइन लेना है जो कि एक लाइन में पूरी बात बाबा श्याम के समक्ष आ जाए, यानी कि बाबा श्याम एक ही बात में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। क्योंकि श्याम भक्तों, आप अर्जी अरदास बाबा श्याम को बड़े ही मनोकामना के साथ बाबा श्याम को अर्पण कर रहे हैं, तो अर्जी अरदास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अर्जी लिखने के कई तरीके होते हैं श्याम भक्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले कई वीडियोस बनाए हैं और उसमें आपको अर्जी लिखने के अलग अलग तरीके आपको बताए हैं कि किस प्रकार से आपको अर्जी
लिखनी चाहिए। तो शम भक्तों, अर्जी लिखने का दो तरीका है। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका है जो एक लाइन में आप जो लाइन लिख रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आपके पास रुपए पैसे नहीं है, धन की कमी है, आर्थिक तंगी है, सर पे कर्जा बना रहता है। तो शम भक्तों, जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपका सारा कर्जा उतर जाएगा, आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी और जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ तो पूरी की पूरी हो ही जाएंगी। शम भक्तों, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग संतान की अर्जी लगाते हैं, बहुत सारे लोग और तरह तरह के जैसे शरीर से परेशान है, अस्वस्थ रहते हैं, उसके लिए अर्जी लगाते हैं। तो शम भक्तों, हम अर्जी इस प्रकार से लिखेंगे कि वो सारी चीज़ें एक ही लाइन में पूरी हो जाए। तो शम भक्तों, मान लीजिए ना हमारे पास धन है, ना हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो शम भक्तों अर्जी जो हम लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे? तो शम भक्तों, हमें बाबा श्याम को अर्जी लिखनी है। हे बाबा श्याम, मेरे शरीर में इतनी शक्ति दीजिए, इस स्वस्थ शरीर के साथ आपके दरबार में VIP लाइन से होते हुए आपके दरबार में माथा टेकूं, और साथ ही मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य हो मैं अपने साथ कई सारे लोगों को लेके आ सकूं, अपने खर्चे पे लेके आ सकूं, ऐसा सामर्थ्यवान बनाकर अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये मैंने एक लाइन में सारी बात बोल दी है, बाबा श्याम के समक्ष कह दी है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से आप बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगा रहे हैं। तो शम भक्तों, अर्जी अरदास लिखने के समय में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि अर्जी अरदास में ना शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं लिखना है कि हे बाबा श्याम, मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरा काम बना दीजिए। तो मेरा काम नहीं बन रहा है, नहीं शब्द जो आ गया, तो ये शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है। यानी कि अर्जी अरदास में हमेशा सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग होता है। भगवान के समक्ष हम जा रहे हैं तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, और भगवान हमारी सारी दिल की बात जानते हैं, हमारी अरदास को भी जानते हैं, परंतु ये हमारे एक भाव है जो हम कागज पर लिख कर दे रहे हैं ताकि बाबा श्याम तक हमारी वो बात जल्द से जल्द पहुंच सके। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपने पहली अरदास लिख ली। अब श्याम भक्तों, दूसरी अरदास लिखने का तरीका बताता हूँ। तो श्याम भक्तों, दूसरा जो अरदास हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे जैसे कि मान लीजिए जी हमारा धन किसी ने हड़प लिया, यानी कि हमने किसी को कर्जा दिया था, अब वो हमें पैसा वापस नहीं कर रहा है, हमने काफ़ी कुछ देख लिया करके परंतु वो हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा है। हो सकता है श्याम भक्तों उसको कुछ परेशानी हो, कुछ आर्थिक तंगी हो, जिसके कारण से वो आपका पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा है। आपको लग रहा है कि उसके पास पैसा है, परंतु हो सकता है वो पैसे भी उसने कहीं से कर्ज में लिए हो, जिसके कारण से आपको आपका धन वापस नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपका मान लीजिए धन फंसा हुआ है तो आप अर्जी अरदास कैसे लिखेंगे? तो श्याम भक्तों, अर्जी अरदास उस समय आप पास आप लिखेंगे, बाबा श्याम मेरा फंसा हुआ पैसा मुझे वापस मिल गया है। यानी कि श्याम भक्तों, यहाँ मैंने सकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया, हालांकि आपका पैसा आपको नहीं मिला है, ये भगवान जानते हैं, क्योंकि वो भगवान है, इंसान नहीं है, भगवान है। तो यहाँ मैंने जो मैंने बोला है कि मेरा पैसा वापस मिल गया है, तो श्याम भक्तों इस तरह से एक अरदास लिखी जाती है। अब आपको सोचना है श्याम भक्तों कि आपको पहले नंबर के साथ जाना है या दूसरे नंबर अरदास के साथ जाना है। अरदास दोनों ही भगवान स्वीकार करते हैं, परंतु ये स्वीकार उसी का करते हैं जो सभी का भला सोचते हैं, जो सभी का अच्छा सोचते हैं। और श्याम भक्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने कभी किसी का अच्छा आज तक सोचा ही नहीं है और अब आप बाबा श्याम को ये अर्जी अरदास लगाने के लिए आ चुके हो, बाबा श्याम का ये अर्जी रूपी नारियल तैयार कर चुके हो, तो श्याम भक्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको आपके किए हुए बुरे कर्म का फल आपको मिल रहा है, उसके बाद आप बाबा श्याम की शरण में आए हो, और जब आप बाबा श्याम की शरण में आए हो तो बाबा श्याम आपकी उस समय परीक्षा लेते हैं। यानी ऐसी बात नहीं है कि जो बाबा श्याम के समक्ष सरल सहज भक्त है उनकी परीक्षा नहीं होगी, उनकी भी परीक्षा होती ही है, परंतु जो भक्त जो बुरे कर्म करके आए हैं, किसी का अच्छा नहीं सोचा है, वो वैसे भक्त हैं और वो बाबा श्याम के दरबार में अर्जी अरदास लगा के आए हैं, तो उन्हें सर्वप्रथम बाबा श्याम अपने शरण में लेने से पहले उनकी परीक्षा लेते हैं। हालांकि जो आपने अर्जी अरदास बाबा के नाम से लगाई हुई है वो तो आपने बाबा के नाम से बाबा के दरबार में जाकर रख दी है,
तो उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब वो अर्जी कब पूरी होगी ये बाबा श्याम जानते हैं। बाबा श्याम चाहे तो आपकी अर्जियों को पल भर में सुन लेते हैं और न सुनने के लिए तो सालों बीत जाते हैं। तो श्याम भक्तों आपको पेशेंस रखना होगा। इस तरह से दो प्रकार की अर्जियां आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका शरीर अस्वस्थ रहता है और आप चाहते हैं दूसरे तरीके से अर्जी अरदास लगाने के लिए, तो आप अर्जी वाले कागज में लिखेंगे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। इस तरह से अगर आप स्वस्थ नहीं है परंतु आपने अर्जी में लिखा मैं भविष्यम मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तो ये पॉजिटिव वेज है। पॉजिटिव भाव के साथ आपने भविष्यम के नाम से ये अरदास लगाई है तो इसके बारे में वैसे ही रहना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कागज में लिख दिया वापस फिर बाद में आप डिमोटिवेट हो गए यानी नकारात्मक हो गए, अरे मैंने तो ऐसे लिख दिया कागज में। श्याम भक्तों ये सकारात्मक शब्दों के साथ हमें रहना चाहिए यानी कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। हमेशा अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो अर्जी अरदास भविष्यम जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। श्याम भक्तों मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि भविष्यम का जो धाम है यानी कि वो खाटू धाम है, यानी कि वो खाटू श्याम नहीं खाटू धाम है। यानी कि श्याम भक्तों आप सभी को पता है कि बाबा श्याम खाटू में विराजे हैं तो खाटू वाले श्याम ही तो कहलाएंगे, और श्याम बाबा का जो शीश है वो सिर्फ खाटू में ही विराजता है। बाकी जो शहरों में आप बाबा श्याम के मंदिर देख रहे हैं, बाबा श्याम के जगह जगह मंदिर बना दिए गए हैं, कहीं कलकत्ता में बना दिया गया है, दिल्ली में बना दिया गया है और बहुत सारी जगह में बाबा श्याम के भव्य मंदिर तैयार कर दिए गए हैं। बाबा श्याम का भव्य मंदिर है वो सिर्फ खाटू धाम है। यानी कि जो भक्त बाबा के दरबार तक नहीं आ पाते हैं वो नज़दीकी मंदिर में चले जाते हैं और वहां जाकर भी बाबा श्याम को अर्जी अरदास दे सकते हैं। और अगर आपके भाव ऐसे हैं और आपको लग रहा है कि एक बार ज़रूर खाटू धाम आना चाहिए तो अर्जी अरदास उस समय लगाएं जब आप खाटू धाम आने वाले हों। श्याम भक्तों अर्जी अरदास लगाने का सही समय में क्या है? अर्जी अरदास तो वैसे हम कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं, इसका कोई समय फिक्स नहीं है, परंतु जब हम पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में रहते हैं और हमें कोई सहारा नज़र नहीं आता, सिर्फ बाबा श्याम ही हमें समझ में आते हैं, तो बाबा श्याम का ध्यान करके हम अर्जी अरदास को अपने पूरे भाव के साथ कहीं भी किसी भी स्थान से बैठकर लगा सकते हैं, मन से बोल सकते हैं, मन से बाबा श्याम को ध्यान कर सकते हैं और बाबा श्याम को अपनी अर्जी अरदास बाबा श्याम तक पहुंचा सकते हैं। तो श्याम भक्तों बात करते हैं अर्जी लगाने का सही समय जो होता है वो शुक्ल पक्ष की यानी कि एकादशी की शुक्ल पक्ष की जो तिथि आती है उस दिन बाबा श्याम के नाम से अगर आप अर्जी लगाते हो और उस दिन आप एकादशी का व्रत रखते हो और विधि विधान के साथ उस एकादशी को आप संपन्न करते हो तो बाबा श्याम तक आपकी बात ज़रूर पहुँच जाती है। अगर आप किसी मुसीबत में हो और आज तक बाबा श्याम ने आपकी नहीं सुनी है, कोशिश करिए कि एकादशी के दिन एक बार आप एकादशी का तो व्रत रखे ही रखें और साथ ही साथ अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद बाबा श्याम के नाम की वो अर्जी जो है वो तो आपने लगा के रखी ही रखी है, और जब आप बाबा के धाम जाते हैं खाटू धाम जाते हैं तो उस अर्जी रूपी नारियल को वहाँ जाकर आप बांध सकते हैं। श्याम भक्तों कुछ लोग कहते हैं कि क्या बाबा श्याम का अर्जी लगाकर अपने घर में रख सकते हैं, तो श्याम भक्तों जब आपने अर्जी लगाई ही है, नारियल तैयार किया है, सब कुछ तैयार किया है, तो वो घर में रखने के लिए तैयार नहीं किया है, क्योंकि बाबा श्याम के नाम की अर्जी, तो जब हमने अर्जी लगाई है अरदास लगाई है तो उसे मंदिर में जाकर बाबा श्याम को समर्पण ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप वहाँ जाकर बाबा श्याम के मंदिर में जाकर उस अर्जी अरदास को बांधते हैं, बाबा श्याम के समक्ष प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम से अपनी पुकार को कहते हैं, तो बाबा श्याम आपकी अर्जी अरदास को सुनते हैं, और उसके बाद जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है श्याम भक्तों, तो उसके बाद हम उस अर्जी वाले नारियल को जहाँ हमने बांधा था, किसी भी नारियल को जो वहाँ बंधा हुआ है उस नारियल को जाके हम खोल देते हैं, तो इस तरह से हमारी अर्जी पूर्ण मानी जाती है।
तो श्याम भक्तों, अगली बार आप बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगा चुके हैं या आप लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो कोशिश करिए बाबा श्याम को प्रसन्न करिए। और अगर आपकी अर्जी अरदास पूरी नहीं हुई है तो अपने आप में सुधार लाइए। और आप अपने आप में किस प्रकार से सुधार लाएंगे, इसी चैनल पर आपको ऐसे कई सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें है चार अपराध, और उसके साथ कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आप अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है जो आज तक बाबा श्याम ने आपकी अर्जी अरदास को पूरी नहीं की है। तो होपफुली श्याम भक्तों, पूरी बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। बाबा श्याम को इस प्रकार से अर्जी अरदास खाटू धाम में जाकर लगा सकते हैं। बाबा श्याम के नाम का अर्जी वाला नारियल तैयार करके बाबा श्याम के धाम में बांध सकते हैं, और अर्जी वाला जो कागज होगा वहीं के पुजारी को देकर अपनी अर्जियों को बाबा श्याम तक पहुंचवा सकते हैं और बाबा श्याम का ध्यान कर सकते हैं। बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी, आपकी कुलदेवी की कृपा बनी रहेगी और आपके गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी। तो श्याम भक्तों, सरल सहज बनिए, अपने मुख से अब शब्द का प्रयोग न करें और बाबा श्याम को इस प्रकार से अरदास लगाएं तो बाबा श्याम तक आपकी बात जरूर पहुँचेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।